में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार से पूछा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के खिलाफ पिछली सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल होने के सवाल पर जीतू पटवारी का कहना है कि यह सवाल राजनीति का नहीं है, पीसीसी के निर्देश है कि कोरोना के संकट के समय जरूरतमंदों की सहायता की जाए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महामारी से लड़ा जाए। पटवारी ने कहा कि महापौर और परिषद अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाकर सरकार अपनी दोहरी नीति उजागर कर रही है। जीतू पटवारी से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता निर्मल सिंह बेस हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी हमारे साथ हैं। पटवारी जी, आज शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को एक महीना पूरा हो गया, क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूं कि पीछे के रास्ते से जब मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह जी, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं इस पर कोरोना के महामंत्री प्रदेश के सर चढ़ के बोल रही है, हम सबको इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए और इस महामारी से लड़ना चाहिए। पर देखने में प्राय आया कि वो हमेशा हर मुद्दे पर राजनीतिक बातें करते हैं। वो सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते हैं, अणु का बचाव करते हैं, पिछली सरकार को दोषी ठहराते हैं और किसानों से मेरी ने सरकार ने ये किया, उन्होंने कुछ नहीं किया था, ऐसी बातें करते हैं जो इस प्रदेश के लिए बहुत निंदा का कृत्य सीएम करते रहते हैं। 30 दिन लगातार तीसरे स्टेज पर बिना लक्षण से मरीज पाने लगे, इंदौर की स्थिति भयावह हो गई, 55 मौतें हो गई, 3000 सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं, सैंपल कैंसिल होने लगे, जो सैंपल किए थे वो कैंसिल हो गए, नए सैंपल लेने पड़ेंगे और इस बीच में मरीज पूरे सबसे मिलता जुलता जा रहा है। ये स्थिति पूरे प्रदेश की हो गई। कर्मचारियों को पीपीई किट नहीं मिलती क्योंकि मंत्री नहीं था इसलिए टेंडर नहीं हुए, टेंडर नहीं हुए तो सही समय पर वो नहीं आ पाया। मुख्यमंत्री रोज टीवी पे बात करते हैं, बयान देते हैं, ट्विटर पे बात करते हैं और बड़ी सादगी की बातें करते हैं। काम के मामले में 86 मौत, दोषी कौन? काम के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरा राज्य बन गया महामारी में, दोषी कौन? पटवारी जी, एक बात जो है, अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर भी चल रही है और उसमें आपका भी नाम है, तो क्या कहेंगे? ये सब बातें हवा की है, ये सब बातें मीडिया की है। अभी सिर्फ कोरोना से कैसे लड़े इसमें कांग्रेस पार्टी सरकार के हर तरीके से सहयोग में लगी है, गरीबों को खाना खिलाने में लगी है। एक एक कार्यकर्ता, नेता, विधायक को पीसीसी से निर्देश है कि गरीबों को राशन बांटो, उनको खाना खिलाओ और कोई आवश्यकता हो तो पढ़ो और लोगों की सहायता करो, जो बाहर है उनको लाओ, जो यहाँ है फंसे हुए उनको भेजो, सरकार के साथ खड़े रहकर महामारी से लड़ो, इसके अलावा कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए रोक दिया है और जैसे कि सब जानते हैं कि कोरोना के बाद आर्थिक संकट भी पैदा होगा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिक डीए रोका, ये सरकार का निर्णय सही हो सकता है, पर मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर और नगरीय निकाय के कर्मचारी नेताओं को फिर मोबिलाइज कर दिया, उनके वेतन भत्ते का क्या होगा? दोहरी नीति कैसी हो सकती है? आप सांसदों का कटौती करते हो, इसका करते हो, उनको बनाते हो, ये निंदा का विषय है। जहां तक महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था, ये तो एक मिशन है, पहले भी खराब हो चुका है, अब इसको कैसे ले जाना है, देश को एकजुटता से करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से जीतू पटवारी का ये कहना है कि ये सरकार जो है, सरकार यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं दोहरी नीतियां अपना रही है। कैमरामैन आनंद सजाने के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। इंदौर में स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर हुआ।